दोस्तों लाल बटन को दबाइए और ऑटो एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल वाले बेल आइकन को छोड़ना मत, उसको भी एक बार दबाई लीजिए, क्योंकि आपको पता चले कि ऑटो एक्सप्लेन के ऊपर एक वीडियो आया है। नमस्कार दोस्तों, आज करने वाला हूँ 2018 होंडा अमेज का रियल लाइफ रिव्यू। तो देर क्यों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस कार में चार वेरियंट्स है, ES, V और VX। S और V में CVT का ऑप्शन दिया है और बेस वेरिएंट टॉप एंड वेरिएंट में CVT का ऑप्शन नहीं है। इस कार की प्राइस शुरुआत होती है 5,60,000 रुपीज़ फॉर बेस वेरिएंट, 9,00,000 रुपीज़ फॉर टॉप एंड वेरिएंट। CVT का प्राइस शुरुआत होती है 7,40,000 रुपीज़ फॉर पेट्रोल वेरिएंट, 8,40,000 पर डीजल वेरिएंट। दोस्तों आपको बता दूं कि जो ऑन रोड प्राइस ऑफ ई, यानी कि जो बेस वेरिएंट का ऑन द रोड प्राइस बता दूं कि जो पेट्रोल वेरिएंट का जो प्राइस है 6,14,000 रुपीज़ और 5,60,000 रुपीज़ जो एक्सक्लूसिव शोरूम प्राइस है उसके ऊपर 30,000 रुपीज़ आपको RTO को देना पड़ता है और एक साल इंश्योरेंस के लिए 16,000 रुपीज़ देना पड़ता है। तो खुद मिला के 6,14,000 होता है पेट्रोल वेरिएंट का, और डीजल वेरिएंट का जो प्राइस होता है ऑन द रोड 7,34,000 रुपीज़ और 34,000 रुपीज़ RTO के लिए और इंश्योरेंस के लिए 19,000 रुपीज़ आपको देना पड़ता है। खुद मिला के जो डीजल वेरिएंट का जो ऑन द रोड प्राइस होता है 7,34,000 रुपीज़। मेरा मानना है कि आप डीजल वेरिएंट छोड़ दीजिए, पेट्रोल वेरिएंट ही परचेज कीजिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस लगभग सेम ही है। तो इसलिए अभी आपको दिखा देता हूँ इस कार की जो पीछे का लुक, पीछे से कार कैसा दिखता है। दोस्तों जो पीछे का जो इसका लुक है काफ़ी अट्रैक्टिव है। ऊपर एक आपको यस डिज़ाइन दिया है और नीचे भी आपको यस डिज़ाइनिंग मिलता है, और LED जो टेल लैंप है उसके ऊपर भी जो आगे पीछे आपको यस डिज़ाइनिंग कट्स वगैरह मिलते हैं। तो इसलिए कार की जो लुक है थोड़ा सा एग्रेसिव दिखता है। देख लीजिए इसका जो खूबसूरत, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये कार कैसा लगा। उसके साथ साथ बॉडी कलर्ड आपको डोर हैंडल मिलता है, यह है इस कार की जो टेल लैंप, स्प्लिटेड टेल लैंप मिलता है, इसमें LED इम्प्लीमेंटेशन किया है, और जो टेल लैंप का हाउसिंग के साइड पे भी आपको यस डिजाइनिंग कटिंग्स वगैरह देखने को मिलता है। इसलिए यह कार की जो लुक थोड़ा सा बढ़ गया है। यह है ID Tech, क्योंकि जो डीजल वेरियंट है और जो V वेरियंट है, और यह है होंडा का बैजिंग, यह है अमेज का बैजिंग, और पीछे से देखने में कार खूबसूरत है, और कहीं से भी आप देख लिया तो आपको कमियां नहीं मिलता इस कार के ऊपर। और जो राउंड राउंड आप शेप देख रहे हो ना, वो है रिवर्स पार्किंग सेंसर है। दोस्तों इस कार की जो साइड प्रोफाइल है काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हो। एक जो इसका जो कंपेयर टू पुराना अमेज काफ़ी चेंज हुआ है, कुछ भी मिलता जुलता नहीं है पिछले जो वर्जन अमेज और नया वाला वर्जन अमेज को, ये काफ़ी पूरी तरह से चेंज ही किया है होंडा ने। उसके साथ साथ एक जो बात अच्छा लगता है मुझे वो है इस कार की जो पीछे का जो हिस्सा है खींच के आगे का और पीछे का दोनों को सेम किया है, और ये है मड पैड। तो मड पैड जो शोरूम वाले ने लगाया है, और जो 15-inch अलॉय व्हील इस कार में मिलता है, आगे डिस्क पीछे ड्रम मिलता है, और आगे मैक पर्सन का सस्पेंशन मिलता है, पीछे टोरिजन बीम का सस्पेंशन मिलता है इस कार में। देखने में कार काफ़ी अट्रैक्टिव है, और जब पीछे पीछे जाता है तो थोड़ा सा स्लूप बनाया है। ये है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर विथ टर्न इंडिकेटर, इंडिकेटर के अंदर LED इम्प्लीमेंटेशन किया है। दोस्तों इसका जो यस डिजाइनिंग है आप कहते हो कटिंग, वो कटिंग हेडलैम्प से शुरुआत होती है और पीछे टेल लैम्प तक उसका कटिंग किया है। तो इसलिए कार साइड प्रोफाइल और थोड़ा सा एग्रेसिव दिखता है, और बॉडी कलर्ड डोर हैंडल दिया है वो भी देखने में थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। मुझे एक बात अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो क्रोम इतना इंसर्ट किया नहीं, जब आप काफ़ी ज़्यादा क्रोम इंसर्ट करने के बाद
थोड़ा सा अपीलिंग ज़्यादा लगता है, तो इसलिए एकदम एक लग्जरी कार जैसा फीलिंग आता है होंडा एमेज का। यह है इस कार की फ्रंट लुक। फ्रंट लुक के ऊपर आपको बड़ा सा थिक सिग्नेचर ग्रिल दिया है होंडा का, और बीच में होंडा का लोगो है। उसका ठीक नीचे आपको ब्लैक कलर का ग्रिल मिलता है, उसके ठीक नीचे आपको ब्लैक कलर का बॉटम बम्पर मिलता है। तो दिखने में आगे का लुक काफ़ी बढ़िया दिखता है। बात करते हैं इस कार की जो हेडलैम्प की, तो हेडलैम्प के ऊपर भी थोड़ा सा क्रोम इंसर्ट दिया है, LED DRL के साथ आता है। और ये है इंडिकेटर, उसका ठीक नीचे आपको पोजीशन LED लैंप मिलता है। ये है रिफ्लेक्टर हेडलैम्प। दोस्तों होंडा का जो रिफ्लेक्टर हेडलैम्प भी प्रोजेक्टर जैसा काम करता है, मतलब बोलने का जो तरीका है कि जो होंडा का जो हेडलैम्प है काफ़ी अच्छा रहता है। मैंने चला चुका हूँ, मैं होंडा सिटी चला चुका हूँ और WR भी चला चुका हूँ, तो इसका जो हेडलैम्प है काफ़ी बेहतर है, एक प्रोजेक्टर जैसा ही काम करता है। ये है होंडा का जो सिग्नेचर ग्रिल, एक क्रोम की थिक पट्टी है, पट्टी के ऊपर आपको क्रोम फिनिश दिया है। और इसका जो कटिंग है ना, मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा, आप देख सकते हो कितना इसके ऊपर कटिंग किया है। ये डायमंड कटिंग है, तो डायमंड कटिंग कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो आप ही देख सकते हो। ऐसा नहीं दिख रहा है कि इस कार जो पीछे से बोरिंग दिखता है आगे से अच्छा दिखता है, ऐसा नहीं। आप कहीं से भी देखो ये कार अट्रैक्टिव दिखता है। ये है इस कार की फॉग लैंप। फॉग लैंप का हाउसिंग और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन सकता था, फिर भी ठीक है। और ऑल न्यू अमेज, हाँ ये ऑल न्यू ही है, क्योंकि इसमें काफ़ी चेंज हुआ है, सारे चेंज ही हुआ है। दोस्तों इस कार में जो 1.2 लीटर डीजल इंजन और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आता है, और 1.2 लीटर जो पेट्रोल इंजन देता है 90 PS पावर, और 1.5 लीटर डीजल इंजन देता है 100 PS पावर, और 1.2 लीटर जो पेट्रोल इंजन का जो माइलेज देता है 20 किलोमीटर पर लीटर, और 1.5 लीटर डीजल इंजन देती है 24 किलोमीटर पर लीटर। तो माइलेज काफ़ी अच्छा देती है ये कार, और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT ऑप्शन के साथ आता है। ये फर्स्ट इन द सेगमेंट है, इस जो कार में आपको डीजल में भी CVT मिल रहा है। ये है बॉडी कलर्ड डोर हैंडल, उसके साथ साथ इसमें जो S डिज़ाइनिंग किया है वो मुझे काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। चलिए आपको बूट खोल के दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है इस कार की 420 लीटर बूट स्पेस। का इस कार में बूट स्पेस मिलता है। उसके साथ साथ आपको ब्रेक लगाने के बाद जो लैंप आता है उसको कहते हैं रियर लैंप, वो भी इस कार में दिया है। और वहाँ पे एक लाइट दिया है नंबर प्लेट के लिए, और बूट का अनलॉक करने के लिए बटन दिया है। ये है होंडा का बैजिंग। और टेल लैंप थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिख रहा है, और टेल लैंप का जो डिज़ाइनिंग हो, चाहे आप जो आप कुछ इसका जो डिज़ाइनिंग है ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं आपको फ्रैंकली बता दूँ, ये है शार्क फिन एंटीना, और फर्स्ट इन द सेगमेंट है ये भी। बताइए दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ऑल न्यू होंडा अमेज कैसा लगा, क्या आपको एक्सटीरियर का जो डिज़ाइनिंग काफ़ी आपको पसंद आया कि नहीं आया, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी जवाब के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। और जो इसका लुक है ना, तो मुझे अट्रैक्टिव दिख रहा है। उसके साथ साथ जो डीजल में ये CVT आता है, ये भी एक एडवांटेज है। चलिए दोस्तों आपको ऐसा बात बता देता हूँ कि जो इस कार का जो टेक्नोलॉजी, पहले जो टेक्नोलॉजी इस कार में है वो है पेडल शिफ्ट, और दूसरा है CVT, और तीसरा है क्रूज कंट्रोल। दोस्तों पेडल शिफ्ट और जो डीजल में CVT है फर्स्ट इन द सेगमेंट है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो पेडल शिफ्ट होता क्या है। दोस्तों पेडल शिफ्ट होता है, स्टेयरिंग के नीचे दो बटन्स दिया होता है, एक है प्लस होती है, एक है माइनस होती है। जब आपको गियर को इंक्रीज करना है तो आप प्लस कीजिए तो गियर इंक्रीज होता है, यानी कि 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 होता है।
आपको डिक्रीज करना है तो आपको जो लेफ्ट साइड में बटन दिया होता है माइनस, उसको प्रेस करने के बाद डिक्रीज होता है। ये पेडल शिफ्ट आप मैनुअल ट्रांसमिशन भी और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आप इम्प्लीमेशन कर सकते हो। उसके साथ साथ ये कार में सीवीटी आता है डीजल और पेट्रोल में। सीवीटी होता है कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये आप देखते हो ना ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक से भी काफ़ी अच्छा होता है। ऑटोमेटिक होता है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, बट सीवीटी उससे ज़्यादा बेहतर होती है। तो इसलिए सीवीटी कार लेना काफ़ी बेहतर है, और कंपेयर टू सीवीटी एएमटी सीवीटी का माइलेज काफ़ी ज़्यादा होती है। जो तीसरा फ्यूचर है क्रूज कंट्रोल। दोस्तों क्रूज कंट्रोल भी फर्स्ट इन द सेगमेंट है। क्रूज आपको जो लॉन्ग जर्नी पे क्रूज काफ़ी हेल्प होता है, क्योंकि जो आप जर्नी करते हो तो क्रूज क्या होता है आपको बता दूँ कि आपको जो चलना है 80 किलोमीटर पर हवर, तो आप क्रूज सेट करने के बाद वो कार 80 किलोमीटर पर हवर ही चलता है। आपको रेस पेडल दबाने का कुछ भी पड़ता नहीं है, आप रेस पेडल छोड़ दीजिए तो भी ये कार 80 किलोमीटर पर हवर स्पीड से ही चलता है। ये काफ़ी एडवांस फ्यूचर है और होंडा अमेज में है, तो काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों ये है इस कार की डैशबोर्ड, कुछ ऐसा दिखता है, ब्लैक और बीच कलर का कॉम्बिनेशन दिया है, और आपको वहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश भी मिलता है, और एसी वेंट्स के ऊपर सिल्वर सराउंडेड दिया है, और मीडिया सिस्टम के अगल बगल में भी आपको जो ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन दिया है, तो काफ़ी शाइनी दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है। उसके साथ साथ आपको 3-spoke स्टेयरिंग व्हील और सेंटर में होंडा का बैज दिया है, और पूरी तरह से सेंटर कंसोल है। दोस्तों मैं आया हूँ पीछे सीट, तो दोस्तों इसका जो कंफर्ट है काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी जो साइड पे जो थाई सपोर्ट हो, चाहे साइड पे आपको जो ये सारे जो काफ़ी अच्छे से सपोर्ट देता है, अब पूरी तरह से आप अंदर बैठ जाते हो, तो ये काफ़ी मुझे सीट जो कंफर्ट है काफ़ी अच्छा लगा। उसके साथ साथ इसका जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी बेहतर है, तो काफ़ी स्पॉन्जी है, और जो काफ़ी अच्छे से इसको स्ट्रेच किया है, तो इससे वजह से क्या होता है कि आपको लेग रूम में भी कम मिलता नहीं है, उसके साथ साथ आपको थाई सपोर्ट है तो काफ़ी अच्छा मिलता है। आप देख सकते हो मैं पूरी तरह से आप रिलैक्स बैठा हूँ, तो मुझे एंड तक जो मुझे थाई सपोर्ट दे रहा है, तो इसके वजह से क्या होता है तो काफ़ी कंफर्ट हो जाता है, और मैं पूरी तरह से मैं लेग को स्ट्रेच किया हूँ, क्योंकि जो इसका जो हाइट है थोड़ा सा ऊपर है, तो मैं अच्छे से इसके अंदर पाए डाल सकता हूँ, तो मुझे एक कंफर्ट में मामले में तो मुझे कार काफ़ी पसंद है। उसके साथ साथ इसका जो फिनिशिंग है, इसका जो स्पॉन्जी स्टाइल है, मुझे काफ़ी बेहतर दिखता है। उसके साथ साथ आपको दोनों आगे सीट में आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बट पीछे फिक्स्ड है, फिर भी ये काफ़ी स्पॉन्जी है, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट है। उसके साथ साथ दो कप होल्डर भी इसमें दिया है। पीछे पावर आउटलेट 12 वोल्ट का, और ऊपर रीडिंग लाइट्स दिया है, और अब जो रियर में एसी वेंट्स नहीं है, बट जो होंडा ने कहता है कि जो आगे का एसी वेंट्स है उसका हम कंप्रेसर साइज होता है एसी का हम बढ़ा दिया है, तो काफ़ी जल्दी ठंडी करता है सारे जो कैबिन को, मैंने भी नोटिस किया हूँ। जब आप बैठते हो ना एकदम ठंड फील होता है, बट रियर एसीस दिया नहीं, बट जो आगे का जो कंप्रेसर साइज है होंडा ने बढ़ा दिया है, इसके वजह से क्या होती है अच्छे से कूल होता है। दोस्तों ये है इस कार की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आपको आरपीएम गेज मिलता है, और उस साइड पे आपको स्पीडोमीटर, बीच में थोड़ा सा एमआईडी डिस्प्ले मिलता है, आपको फंक्शन कंट्रोल करने के लिए कुछ आपको ट्रिप का जो मैसेज के लिए सारे आपको कंट्रोल सिस्टम एमआईडी पे मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्टीयरिंग मोटर ऑडियो कंट्रोल सिस्टम, फोन को रिसीव करने के लिए बंद करने के लिए बटन्स भी दिया है, और यहाँ पे आपको पियानो जो ब्लैक फिनिश इसमें दिया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको फिनिश को देख के, और यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है, और मुझे जो एसी वेंट्स है ये भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पूरी तरह से ये सिल्वर फिनिश दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे मिलता है पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, और यहाँ पे हेडलैम्प का कंट्रोल सिस्टम्स मिलते हैं।
और ये है मीडिया कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों वी में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता नहीं है, ये नॉर्मल मीडिया कंट्रोल सिस्टम है। तो यहाँ पे भी आपको कई सारे कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि रेडियो सपोर्ट करता है, मीडिया करता है, एक्स करता है, यूएसबी करता है, उसके साथ साथ आपको कई सारे जो कंट्रोल सिस्टम इसमें है आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्स भी दिया है और वॉइस कमांड का भी सपोर्ट है, कॉल रिसीव करने के लिए, कॉल बंद करने के लिए भी कंट्रोल सिस्टम दिया है। उसके साथ साथ ये है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम एसी। यहाँ पे सिर्फ फ्रंट का रियर का भी आप चूज कर सकते हो, बट होंडा ने कह दिया है कि जो इसका जो एसी वेंट्स का जो कॉम्प्रेसर साइज है हम बढ़ा दिया है, तो अभी एसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और पहले भी जो होंडा अमेज में एसी का प्रॉब्लम नहीं थे, उसके साथ साथ सिर्फ फैन का ही बटन दिया है, सिर्फ आपको फैन चाहिए तो फैन भी कर सकते हो। और सराउंडिंग इसके ऊपर जो पियानो ब्लैक है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये है हजार्ड बटन और यहाँ पे दो पावर आउटलेट, उसके साथ साथ यहाँ पे एक यूएसबी भी दिया है और यहाँ पे फोन रखने के लिए जगह दिया है। ये है कप होल्डर्स, ये है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर नॉब और यहाँ पे कॉइन्स रखने के लिए जगह भी दिया है और यहाँ पे भी पीछे लोगों के लिए कॉइन्स रखने के लिए जगह है। इसमें आर्मरेस्ट नहीं है, चाहे तो आप रख इंस्टॉल कर सकते हो एज एसेसरीज आर्मरेस्ट, तो यहाँ पे आर्मरेस्ट आता है एज एसेसरीज। ये पैसेंजर डोर कुछ ऐसा दिखता है। उसके साथ साथ यहाँ आप देख सकते हो ये पियानो ब्लैक फिनिश है, मुझे काफी अच्छा लगा, अट्रैक्टिव दिखता है। उसके साथ साथ ये है ग्लो बॉक्स, काफी बड़ा ग्लो बॉक्स है। यहाँ पे है रियर मिरर, ये है वेनिटी पैड, यहाँ पे वेनिटी मिरर आता नहीं है क्योंकि ये ड्राइवर साइड का है। यहाँ पे दिया है पैसेंजर वेनिटी पैड विथ वेनिटी मिरर भी इसमें दिया है और ये है ग्रैब हैंडल्स, ये फिक्स्ड है। और ड्राइवर साइड पे भी आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने ऑटो एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं एक वीडियो लेके आता रहता हूँ, आपको अच्छा कार और अच्छा बाइक परचेज करने के लिए पूरी तरह से मदद करता रहता हूँ। प्लीज़ अभी तक आपने ऑटो एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ ही दिनों में 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाला है ऑटो एक्सप्लेन के ऊपर। ये काफ़ी बड़ी नंबर है मेरे लिए और आपकी प्यार है, इसलिए आज जो हमारा चैनल 10,000 ऊपर हुआ है। तो बाय, फिर मिलेंगे एक मसालेदार एपिसोड में।